फॉर्मेशन ऑफ मीथेन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ सी एच फोर बिकॉज मीथेन का फार्मूला होता है सी एच फोर यहाँ पर हमारे पास दो टाइप्स के एलिमेंट्स हैं फर्स्ट वन इज़ कार्बन एंड सेकेंड वन इज़ हाइड्रोजन अब तक हम सिंगल एलिमेंट्स से ही भले ही वो एक तरीके के एलिमेंट्स हो या अलग अलग टाइप्स के एलिमेंट हो उनसे ही बॉन्ड फॉर्म करते हुए आए हैं लेकिन अब हम एक ऐसा बॉन्ड फॉर्म करेंगे जिसमें चार हाइड्रोजन हो और एक कार्बन हो सेम हम स्टार्टिंग उसी मेथड से करेंगे सबसे पहले हम इन एटम्स का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो सबसे पहले अगर हम कार्बन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे तो कार्बन के चारों तरफ हम चार डॉट्स लगा देंगे वन ऑन द टॉप वन ऑन द लेफ्ट वन ऑन द राइट एंड वन ऑन द बॉटम क्योंकि कार्बन के आउटर शेल में मैक्सिमम चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बाद हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे तो हम हाइड्रोजन को कार्बन के चारों तरफ लिख देंगे दैट इज वन हाइड्रोजन ऑन द लेफ्ट विद वन डॉट सेकेंड हाइड्रोजन ऑन द टॉप विद वन डॉट थर्ड हाइड्रोजन ऑन द राइट विद वन डॉट एंड फोर्थ हाइड्रोजन ऑन द बॉटम विद वन डॉट इसके बाद हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन से ऐड कर देंगे और बॉन्ड फॉर्म करेंगे विच मीन्स अगर हम लेफ्ट वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कार्बन के लेफ्ट वाले इलेक्ट्रॉन से ऐड करेंगे सेम इसी तरीके से बाकी तीनों को भी ऐड करके हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कार्बन ने चार बॉन्ड्स फॉर्म करे लेकिन ये चारों बॉन्ड अलग अलग हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करी गई हैं सो अगर ये बॉन्ड एक ही हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होते अगर ये चारों बॉन्ड एक ही हाइड्रोजन के साथ फॉर्म होते तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं होता बट इस केस में ये बॉन्ड्स अलग अलग हाइड्रोजन के साथ फॉर्म करे गए हैं यानी कि अलग अलग हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म करे गए हैं तो इस टाइप के बॉन्ड को हम सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ही कहेंगे और यहां पर जो कंपाउंड रेडी होगा वो होगा मीथेन जो कि अब स्टेबल होगा बिकॉज हर हाइड्रोजन के भी आउटर शेल में अब कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उस कार्बन के भी आउटर मोस्ट शेल में अब कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास पहले ही थे और चार इलेक्ट्रॉन्स उसने अब शेयर करके कंप्लीट कर लिए